दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वैग एंड टेक पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके काफी डाउट्स जो है वो क्लियर करने वाला हूं, जो आप लोगों ने पूछे थे कम्युनिटी पोस्ट में। और ये बहुत भयंकर भयंकर सवाल आप लोगों ने पूछे हैं, यकीन मानिए भयंकर भयंकर जवाब भी मिलेंगे। तो दोस्तों कर दो इस वीडियो को लाइक, क्योंकि ये वीडियो जो है ये हमारा 2018 का लास्ट वीडियो है। जी हाँ, और आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने स्वैग एंड टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको हमारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर है माइकल डैन श्रे पूछते हैं, क्या मैक्स प्रो M2 में अपडेट के थ्रू नेटिव वीडियो कॉल मिलेगा? तो आपको यहाँ पर नेटिव वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर गूगल के साथ उनका कुछ टाई अप है, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है तो वहां पर आपको गूगल डुओ ऐप का ही यूज करना पड़ेगा। उसके बाद परमजीत एस पूछते हैं कि ओनर एटेक्स और ओनर प्ले विच वन इज बेटर? तो इतना ही कुछ है, सिंपल सा जवाब है ओनर प्ले। तो यहाँ पर अभिषेक शर्मा और विवेक कुमार पूछते हैं, सर लिनोवो Z5S इंडिया में कब आएगा? कभी नहीं आएगा भाई, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है लिनोवो की हिस्ट्री देखकर कि 2018 में उन्होंने क्या किया है। और आप मुझे यार एक चीज़ बताइए कमेंट में कि आपको लगता नहीं है कि लिनोवो को इतना ही नहीं पता कि इंडिया कितनी बड़ी मार्केट है, और हम लिनोवो के फ़ोन्स का वेट करते हैं। लिनोवो Z5 लगा लो यार, Z5S लगा लो, मतलब और इंडिया के अंदर वो मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आपको क्या लगता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी तरफ से तो लिनोवो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, अंडर एस्टिमेट कर रहा है इंडिया को। आप क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद संदीप कुमार पूछते हैं, सर रियलमी U1 का गोल्ड कब से सेल पर आएगा? प्लीज टिक माय क्वेश्चन। तो संदीप भाई आपकी जो ये हसरत है ये जनवरी में पूरी हो जाएगी, क्योंकि जनवरी के अंदर ये आपको गोल्ड वर्जन जो है वो देखने को मिल जाएगा। संजय कुमार पूछते हैं, स्वैगत भाई प्लीज बताओ कि ओनर एटेक्स रियलमी U1 Asus जर्मन मैक्स प्रो M2 से ऑल द बेस्ट फोन है? आई वांट बेस्ट प्रोसेसर, गुड कैमरा, बेस्ट बिल्ड क्वालिटी, स्मॉल चेन, बेटर GPU, बताओ। अब आपने यार इतनी सारी चीज मांग ली है भाई, प्रोसेसर भी बेस्ट होना चाहिए, कैमरा भी बेस्ट होना चाहिए, बिल्ड क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, चेन भी स्मॉल होनी चाहिए, बेटर GPU भी होना चाहिए। तो ये यार ये तीनों फोन कंपेटिबल नहीं है आपकी हर एक रिक्वायरमेंट से, लेकिन जितनी आपकी जो ज्यादातर चीजें जो कवर कर रहा है वो कर रहा है ओनर एटेक्स, जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपने जो बोला मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। उसके बाद ये क्वेश्चन यार काफी लोगों ने पूछा है, सोनू स्वपन ने, अर्नब मुंडाल ने, ऑफिशियल ऑफ सोनू ने, जी हाँ, के Realme 2 Pro का सक्सेसर और U1 का सक्सेसर कब आएगा, किस प्राइस पॉइंट पे आएगा और हमें कब देखने को मिलेगा, क्या उसके अंदर प्रोसेसर होगा, राइट? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मेरी जो उम्मीदें हैं, आपको दो फोन देखने को मिलेंगे Realme के फरवरी में। जी हाँ, फरवरी से पहले पहले यानी कि जनवरी फरवरी में आपको Realme की तरफ से दो फोन देखने को मिलने वाले हैं। एक होगा बजट सेगमेंट का, दूसरा फोन जो होगा वो अंडर 20,000 होगा, यानी कि प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट का होगा। और हो सकता है कि ओप्पो K1 जो था जो चाइना में लॉन्च हुआ था उसको रीब्रांड करके आपको Realme 2 Pro या Realme U1 का सक्सेसर देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। यहाँ पर AMOLED पैनल बोल रहे हैं भाई, तो कुछ भी पॉसिबल है यार, हो सकता है। और काफ़ी ज़्यादा चांसेस ये लग रहे हैं कि आपको इसके अंदर Helio का P90 देखने को मिल सकता है, जिस फ़ोन की मैं बात कर रहा हूँ कि जो 20,000 रुपये के आसपास होगा। और जो होगा मान लो बजट सेगमेंट का फ़ोन, उसमें हो सकता है कि आपको P60 देखने को मिल जाए। यहाँ पर क्लैश विद ध्रुविल पूछते हैं, भाई 15,000 में नया स्मार्टफोन लेना है गेमिंग के लिए, कौन सा लूँ प्लीज़? भाई देखिएगा, अब किसी को ये चीज़ अच्छी भी ना लगे यार, मतलब मैं एक्चुअली ना दो फोन्स में गेमिंग कर रहा हूँ फिलहाल, Asus ZenFone Max Pro M2 में और Realme U1 में। जी हाँ, मैंने काफ़ी डिवाइसेस में भी ट्राई की है, लेकिन जो एक्सपीरियंस मुझे इन दोनों डिवाइस में मिला है, और अगर इन दोनों में से भी कंपेयर करना हो तो मैं सीधा कहूँगा Realme U1 में मुझे गेमिंग ज़्यादा अच्छी लगी है। अगर मैं पबजी खेलता हूँ, अब किसी को ये बात सूट करती है नहीं करती है, लेकिन दोनों में आपको कमाल की मिलती है। ZenFone Max Pro में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, तो एक प्लस पॉइंट है। वहाँ पर सेल्फी कैमरा आपको फ्लैगशिप लेवल का मिलता है, तो यहाँ पर दोनों ही हैं। तो इन दोनों में से आप कोई भी फ़ोन जो है वो गेमिंग के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, HD ग्राफिक्स दोनों में आपको देखने को मिल जाएंगे। कृष्णा गुप्ता पूछते हैं, भाई 6.1 प्लस अभी परचेज करना सही रहेगा 16,000 में? जी नहीं रहेगा, मेरी पर्सनल चॉइस है भाई, नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम तुम पूछते हैं, भाई क्या Asus ZenFone Max Pro M2 की 5000 mAh की बैटरी फेक है क्या? क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? क्योंकि बैटरी बैकअप बिल्कुल भी 5000 mAh वाला नहीं है। तो भाई देखो, आपकी बात में दो लॉजिक हैं, एक सही है एक गलत है। जो सही है वो ये है कि आपने बोला कि बैटरी बैकअप बिल्कुल भी 5000 mAh वाला नहीं है, तो मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि अपडेट के बाद बैटरी ड्रेनिंग का इशू काफ़ी आ गया है।
अब आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, जो जो Max Pro M2 यूज कर रहा है, वो यार नीचे अभी कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों को बैटरी ड्रेन का इशू यहाँ पर हो रहा है, ताकि हमें पता चल सके और मैं फीडबैक दे सकूँ। Asus की टीम को मैंने एक मेल पहले भी किया है और दोबारा भी कर दूंगा कि इतने लोगों को जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, तो जिस चीज़ को भी प्रॉब्लम हो रही है बैटरी के रिगार्डिंग, वो नीचे मेल करें। अब आपका दूसरा जो कंसर्न था कि ये फेक बैटरी हो सकती है, देखिए ये Asus है, ये फ्रीडम 251 वाली कंपनी नहीं है यार, जो मतलब आपके साथ फ्रॉड करेगी। ये एक रेप्यूटेटेड वर्ल्ड के ब्रांड्स हैं। जी हाँ, अगर मान लीजिए इन्होंने कुछ ऐसा झोल कर भी दिया, आपको पता है कि आजकल YouTube पर टीयर डाउन होते हैं, एक से एक टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें पता चल जाता है क्लियर कि आपको इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, और अगर एक बार भी किसी ब्रांड का ट्रस्ट टूट गया तो वो ब्रांड जो है वो खत्म है वहां पर। और ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं यार, वो इस तरह की चिंदी हरकत नहीं करेगी डेफिनेटली। तो ये तो आप भूल ही जाइए कि फेक बैटरी है, इसमें तो कोई मतलब दुराई वाली बात नहीं है। हाँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन सही नहीं है, UI लैग कर रहा है उनका, ठीक है, और मतलब थोड़ा बहुत हीटिंग का इशू काफी लोगों को मिल रहा है, मुझे तो एक्चुअली नहीं मिला, लेकिन काफी लोग बोल रहे हैं टच रिस्पॉन्स नहीं है, तो UI बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं है। तो इसीलिए अब बैटरी ड्रेन जो है वो पहले से बहुत ज्यादा होने लग गया है, और इसको एक अपडेट के थ्रू जो है वो ऐसा सोल्व कर सकता है। और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई ऐसा उसे सुन रहा है तो इसको जल्दी से जल्दी जो है वो अपडेट कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। दोस्तों ऐसा काफी लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो Antutu बेंचमार्क वाली जो एप्लीकेशन है, वहां पर इसके अंदर अगर हम डिवाइस की इन्फॉर्मेशन देखते हैं Asus ZenFone Max Pro M2 की, तो वहां पर 4000 mAh बैटरी दिखाई गई है। तो अब ये क्या बग है, इस एप्लीकेशन में बग है, ये तो यार मुझे भी नहीं पता है, लेकिन डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि Asus ऐसा कर सकता है। कुलदीप नागर पूछते हैं, भाई Realme U1 में पबजी खेलते टाइम बहुत जल्दी बैटरी खत्म हो जाती है, भाई क्या किसी अपडेट से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, प्लीज रिप्लाई, और पावर सेविंग से कुछ फर्क पड़ता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही Realme U1 में एक्चुअली बैटरी के रिगार्डिंग, Realme 2 Pro में जरूर आ रही थी, लेकिन Realme U1 में तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है तो वहां पर आप टच पल के आपके कुछ एप्लीकेशन होंगी उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और या फिर अगर आपकी फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है तो एक बार आप जो अपनी पबजी है उसको आप एक बार अनइंस्टॉल कर दीजिए और अपने फोन को भी एक बार फॉर्मेट कर दीजिए, उसके बाद 99% आपकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगी। उसके बाद बंटी कोहली पूछते हैं, सर क्या पोको F1 अभी लेना सही होगा, फिर किसी नए फोन का वेट करूं, बजट 16,000 से 18,000 रुपये है, मुझे लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए चाहिए, प्लीज रिप्लाई एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। भाई हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, एंड आई वांट टू जस्ट से इन 16,000 and 18,000 इट इज़ द बेस्ट चॉइस टूडे। जी हाँ, आज की डेट में भी मैं यही कहूँगा कि ये बेस्ट चॉइस है 16,000 से 18,000 रुपये के प्राइस रेंज में। उसके बाद टेक्निकल तनुज पूछते हैं, भाई सबसे पहले लव यू एंड आई होप यू विल क्रॉस 1,000,000 माइलस्टोन इन जनवरी। तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन थैंक यू आपके विशेष के लिए। आपका क्वेश्चन है, रियलमी बर्ड्स कब देखने को मिलेंगे, और रियलमी केस जो अभी लॉन्च हुआ है वो रियलमी 2 प्रो के लिए भी है क्या? भाई आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, एंड्रॉइड पाई इन रियलमी 2 प्रो एग्जैक्ट कब देखने को मिलेगा? रियलमी 2 प्रो में पाई आपको जो है मार्च से पहले पहले देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा भाई मेरा नाम मुकेश है, मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा में रहता हूँ, और रियलमी के बर्ड्स आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे, और हम अनबॉक्सिंग भी करेंगे, केसेस भी आपको लगभग 1x1 सभी फोन्स के मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर निहाल एसएल श्रीवास्तव पूछते हैं, सर बेस्ट मोबाइल अंडर 16,000 जिसमें बग्स बहुत ही कम हो, ऑल इन वन मोबाइल, भाई एक ही बताना, बट प्लीज सेलेक्ट दिस कमेंट। तो भाई सेलेक्ट कर लिया है, अब आपने कहा है कि बग्स जो है, देखिए Realme 2 Pro में बग्स थे कुछ जो फिक्स कर दिए वहां पर, और Asus ZenFone Max Pro M2 में बग्स आ गए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि जिसमें बग्स नहीं है, तो यहाँ पर मुझे दो फोन जो है वो ऐसे लग रहे हैं कि जहाँ पर आपको बग्स नहीं मिलेंगे, Honor 8X एंड Redmi Note 6 Pro। तो इन दोनों में से आप कोई भी डिसाइड कर सकते हैं। वैसे Realme U1 भी बहुत ही अच्छा डिवाइस है, परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, मैं पर्सनली उसको यूज कर रहा हूँ। उसके बाद एम के भाई पूछते हैं, भाई ओवरऑल देखा जाए तो Asus ZenFone Max Pro M2 वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, इफ एनीवन? भाई अगर देखा जाए तो यार जो 12,000 रुपये की इसकी प्राइस पॉइंट है, 13,000 रुपये वाला जो मॉडल है 3GB 32GB, तो यार वो सुपर वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। जी हाँ, अब तो काफ़ी डिस्काउंट पे भी चल रहा था और सब कुछ आपको एक बैलेंस मिलता है उसके अंदर, लेकिन अब बग्स आ चुके हैं, लेकिन उनको सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो किल किया जा सकता है, मतलब हटाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। वैल्यू फॉर मनी डेफिनेटली मैं आज के टाइम पे भी इसको बोल सकता हूँ। उसके बाद आनंद कुमार पूछते हैं, सर 21,000 के अंदर कौन सा फ़ोन बाय करें, हमें बेस्ट सेल्फी कैमरा चाहिए और गुड लुकिंग फ़ोन हो, और कौन सा बाय करें, प्लीज़ आई एम योर सब्सक्राइबर। तो आनंद भाई देखिए, अब आपने काफ़ी चीज़ें मांग ली हैं कि आपने ये बोला कि लुक भी फ़ोन की अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको पोको F1 रिकमेंड कर सकता था, लेकिन आपको लुक्स भी चाहिए और सेल्फी कैमरा भी बहुत अच्छा चाहिए। तो यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट में यार ओप्पो F9 Pro को आप कंसिडर कर सकते हो, वहाँ पर आपको सेल्फी अच्छी मिलेगी, लुक्स भी उस फ़ोन की काफ़ी अच्छी है।
उसके अलावा Huawei का Nova 3 आई है, अगर आप वहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, अगर सेल्फी आपकी भी ज़्यादा प्रायोरिटी है। उसके अलावा Asus Zenfone 5G भी है जिसकी लुक काफ़ी अच्छी है, लेकिन सेल्फी कैमरा उसका ठीक ठाक है, रियर कैमरा ऑसम है। यहाँ पर शिवम कुमार पूछते हैं, क्या सर क्या Asus Zenfone Max Pro M2 ठीक हो गया है, एक Poco F1 ले लूँ, मुझे बेस्ट गेमिंग बेस्ट बैटरी कैमरा चाहिए फ़ोन के अंदर। तो भाई देखो, इन दोनों में से मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि Poco F1 मेरा फेवरेट है इन दोनों स्मार्टफोन में से। अगर आपके पास बजट की दिक्कत नहीं है तो आप डेफिनेटली Poco F1 के साथ जा सकते हैं, आपको रिग्रेट नहीं होगा जो जो रिक्वायरमेंट आपकी है। मोबी रेडार पूछते हैं, सेकंड फर्स्ट हैप्पी न्यू ईयर, नेक्स्ट माई क्वेश्चन इज हु इज योर फेवरेट टेक यूट्यूबर। तो मेरे भाई हैप्पी न्यू ईयर, और यार सभी यूट्यूबर मेरे फेवरेट हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कॉन्टेंट ला रहे हैं, अनबायस्ड वीडियो दे रहे हैं, तो मैं उन सभी की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। उसके बाद दीपक चौधरी पूछते हैं, भाई आज के डेट पर 9000 में Asus Zenfone Max Pro M1 3GB RAM ले सकते हैं, कैमरा कैसा है? भाई देखो, अगर आपकी प्रायोरिटी बैटरी है और थोड़ी बहुत गेमिंग है और आपका बजट सिर्फ 9000 रुपये तक का है, तो आप यहां पर सोच सकते हो। और यहां पर जो कैमरा है वो अप टू द मार्क नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, आपको मतलब उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी जो आपको 10,000 रुपए के फोन्स में मिलती है कैमरे के रिगार्डिंग। अगर आपको एक बैटरी वाला फोन चाहिए तो आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो, वरना काफी फोन आगे आने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यार वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। और दोस्तों, हमारा जो है 2018 का सफर जो है वो यहाँ पर हम थोड़ा सा विश्राम दे रहे हैं, कल से हम फिर एक नई एनर्जी के साथ आएंगे। जी हाँ, आप सभी को, आप सभी के परिवार को, आप सभी के परिवार के मेंबर्स को, दोस्तों को मेरी तरफ से, स्वैग हंट फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ परमात्मा से कि आपको दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति दे, खुशियां दे। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले साल 2019 में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।